और यदि आप इस साल नीट का एग्जाम देने वाले हैं और आपके पास समय कम है और आपको बायोलॉजी को याद करने में काफ़ी परेशानी हो रही है, तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं जिसका नाम है द सीक्रेट बुक ऑफ बायोलॉजी। क्योंकि इस बुक में ढेरों निमोनिक्स और ट्रिक्स को ऐड किया गया है जिससे आपको बायोलॉजी को समझने में और याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हम इस बुक के आपको कुछ पेजेस दिखा देते हैं। तो देखिए, इस बुक का पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और इसमें हर चैप्टर को काफ़ी सिस्टमेटिक वे में दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दिया है पहले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बैंथम एंड हुकर, तो यहाँ पे ट्रिक दिया है मोना बंठन बड़ी, तो यहाँ पर मोना से है, मो से मोर्फोलॉजिकल, ना से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बैंथम से प्रपोज बाय बैंथम एंड हुकर, एंड बड़ी से लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स। तो ये सभी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, तो इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे कि इसके बाद है एंगलर एंड प्रांटल, तो इसके लिए निमोनिक है इंग्लिश की फाइल इवोल्व हुई, तो इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इंग्लिश फाइल एंड इवोल्व, तो यहाँ पर इंग्लिश से है एंगलर एंड प्रांटल, फाइल से है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, एंड इवोल्व से बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी सिक्वेंस। इसी तरह है जूलियन हक्सले, तो यहाँ पे निमोनिक है जूली की न्यू बायो की बुक, तो जूली से है प्रपोज बाय जूलियन हक्सले, न्यू से न्यू सिस्टमेटिक्स, एंड बायो से बायो सिस्टमेटिक्स, यानी कि जूलियन हक्सले ने न्यू सिस्टमेटिक्स एंड बायो सिस्टमेटिक्स को दिया था। तो इस तरह से आप ये पूरी बुक को समझ सकते हैं। साथ में हर चैप्टर के बाद में इसमें कुछ सम एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनमें से नीट के एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ये भी जरूर देख लेना है। तो इस तरह से आप ये बुक देख सकते हैं और इसे आप बाय कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और याद रखना है कि आपको इसमें बायोलॉजी के सारे चैप्टर नहीं मिलेंगे, इसमें आपको बायोलॉजी के कुछ ही चैप्टर मिलेंगे, और बाकी चैप्टर्स के लिए आप इसकी सेकंड पार्ट बायोलॉजी निमोनिक बुक बाय कर सकते हैं।